नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज NCR का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर गाजियाबाद में गंभीर, तो वहीं फरीदाबाद और नोएडा में हालात बेहद खराब। सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर में इस शनिवार और रविवार को बनेंगे परिवार पहचान पत्र। अब राशन कार्ड की जगह अनिवार्य होगा परिवार पहचान पत्र। सोनीपत में नकली शराब पीने से 30 लोगों की मौत। कोविड-19 स्किलिंग कार्यक्रम करेगा महिलाओं को जागरूक। फरीदाबाद IPS डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा, कोविड में रखें सावधानी पूरी, 2 गज दूरी अभी भी जरूरी। तो अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना की ताकत 3 रफाल फाइटर जेट आज शाम पहुंचेंगे अंबाला। तेजस्वी पर बोले अमित शाह, अगर बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं करते। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मेरा आखिरी चुनाव है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अर्णव गोस्वामी, जमानत पर 18 नवंबर को होगा फैसला। अमित शाह ने कहा, ममता सरकार का अंत समय आ गया, 2/3 बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की ओर। इंस्टा फॉलोअर्स में दीपिका से आगे निकली श्रद्धा कपूर, पहले नंबर पर अभी भी प्रियंका चोपड़ा बरकरार। घरेलू हिंसा के खिलाफ 25 सालों से जिसकी बुलंद है आवाज, उसे KBC के मंच ने किया आज सलाम। अब नजर डालते हैं खेल जगत की ओर। रोहित शर्मा पे उठे गंभीर सवाल, क्या देश से ज्यादा जरूरी है मुंबई इंडियंस। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। बेटे को राष्ट्रपति बनता देखना चाहते थे जो बाइडेन, लेकिन बीमारी ने छीन लिया सपना। US इलेक्शंस में कई राज्यों में दिलचस्प हुई जंग, एरिजोना में बाइडेन के करीब ट्रंप। करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई साजिश, गुरुद्वारे को कंट्रोल कर रहा है ISI। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे न्यूज NCR के साथ।